रविवार को राष्ट्रीय दलित पिछड़ा वर्ग भारत की एक बैठक सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुरादाबाद मंडल अध्यक्ष देशराज मदान व संचालन संजय बाल्मीकि ने किया। बैठक में जिला अध्यक्ष रोहित बाल्मीकि द्वारा जिले की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय दलित पिछड़ा वर्ग भारत के लिए उपाध्यक्ष को डेनियल, कपिल चौधरी, विनोद बाल्मीकि, संजय बाल्मीकि, महामंत्री पद के लिए सिद्धार्थ भारती, कोषाध्यक्ष पद के लिए अनिल जोनी, मीडिया प्रभारी पद के लिए प्रभात कुमार, एडवोकेट, जिला सलाहकार पद के लिए अनुप बेदी, मंत्री पद के लिए सुशील पाल, ऋतिक चौधरी, सोशल मीडिया प्रभारी पद के लिए रवि सैनी को नियुक्ति पत्र देकर मनोनीत किया गया। उत्तर प्रदेश प्रभारी राहुल सेवक ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं प्रेषित कर संगठन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दलित और पिछड़ा वर्ग की लड़ाई लड़ने के लिए हमारा संगठन हमेशा काम करेगा और उन्हें इंसाफ दिलाएगा। हमारा मकसद यह है कि हम अपने समाज को आगे बढ़ाएं और उसकी हर समस्या का समाधान करें। आज जो कमेटी का गठन हुआ है, वे कमेटी जनपद मुरादाबाद की समस्याओं के समाधान को लेकर काम करेगी। बैठक में मुख्य रूप से राहुल सेवक, देशराज मदान, रोहित बाल्मीकि, सिद्धार्थ भारती, रामुता राणा, निर्मल निर्मोही, अनिल जोनी, नीरज, अमरजीत, मन्नू, अभय, संजय, दिनेश सैनी आदि लोग उपस्थित रहे। आज राष्ट्रीय दलित पिछड़ा वर्ग का जिले की कार्यकारिणी का यहाँ गठन हुआ है। मैं राहुल सेवक, उत्तर प्रदेश प्रभारी के यहाँ पर उपस्थिति में यहाँ पर एक गठन हुआ है, जिसमें जिलाध्यक्ष द्वारा अपनी कार्यकारिणी का गठन किया गया है। कार्यकारिणी की गठन में जिला उपाध्यक्ष, जिला महामंत्री व अन्य पदाधिकारी को मनोनीत किया है। मैं साथ ही साथ सभी मनोनीत नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं। वह आशा करता हूं कि भविष्य में दलित पिछड़ों के लिए अपने संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे और साथ ही उन्हें शुभकामनाएं भी देता हूं कि एक संगठन में हमारे साथ आएं और संगठन की प्रतिकृति में जो आगे कार्य करेंगे उसमें मैं उनका, मेरी टीम पूरा उनका समर्थन देगी। तन मन धन से संगठन के साथ में काम करेंगे। क्या जरूरत पड़ी आपको ये संगठन बनाने की, क्या जरूरत महसूस किया? संगठन बनाने का एक मेन उद्देश्य यही रहता है कि समाज में हो रहे, आज अन्य समाज के साथ साथ अब दलित में पिछड़ों में जो हो रहे उनके साथ उत्पीड़न के लिए ये संगठन बनाया गया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लगातार पिछड़ों के लिए कार्य किया जा रहा है। उनके हनन के खिलाफ, उनके उत्पीड़न के खिलाफ लगातार आवाज उठाई जा रही है। इसी क्रम में मुरादाबाद में भी आज कार्यकारिणी का गठन करते हुए दलितों की, पिछड़ों की हनन और उत्पीड़न के खिलाफ जो भी आवाज होगी वह संगठन लगातार आगे भविष्य में उठाएगा।